अस्सलाम वालेकुम, मैं दिस इज साकिब और आप देख रहे हैं टेक्निकल साकिब। आज की वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग देखने को मिलने वाली है टेबल डेस्क लैंप की, जो कि ब्लिट्ज वॉल्फ का ब्रांड है। मॉडल नंबर BWLT17 इसका मॉडल नंबर है और इसके साथ साथ टच सेंसर भी इसमें मौजूद है। और बात करें आई प्रोटेक्शन के हवाले से, तो आई प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि हर कोई बल्ब आपको आई प्रोटेक्शन फ्राहम नहीं करता। इसके बाद बात करें आई प्रोटेक्शन के हवाले से, तो आई प्रोटेक्शन यार अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है हम पर, और आंख जो है इसकी हिफाजत करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो प्राय मेहरबानी कोई ऐसा बल्ब यूज मत कीजिएगा जो कि आंख को नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह के बल्ब, इस तरह की डेस्क लैंप की लाइट जो है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। तो जल्दी से टाइम नहीं जाया करते, सबसे पहले अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। अगेन अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इसे फाड़ दिया है और अब जो है इसे निकालते हैं बॉक्स से। और यहां पर आपको देखने को मिलता है BWLT17 इसका मॉडल नंबर है, ब्रांड है ब्लिट्ज वॉल्फ का। और यहां पर आप देख सकते हैं पैकिंग बहुत जबरदस्त है, यहां पर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी गई हैं। और सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं, यहां से आई थिंक होगा। तो सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर देते हैं भाई। सबसे पहले इसे अनबॉक्स करने में जो मजा आता है ना भाई, वो कहीं पर भी नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ है इसके अंदर। और सबसे पहले भाई हमें देखने को मिल रहा है चार्जर, जो कि बहुत ही जबरदस्त चार्जर है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वायर है काफी ज्यादा लंबी दिखती है और कमाल का चार्जर है। इसे साइड में रखते हैं। इसके बाद भाई यहाँ पर हमें देखने को मिलती है मैनुअल बुक, जो कि BWLT17 की है, ब्रिट्ज वॉल्फ का ब्रांड है, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है। इसके बाद यहाँ पर हम मेन टॉपिक पर जाते हैं भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्लेक्सिबल डेस्क लैंप है और नीचे कुछ गिर गया है, वो भी मैं उठा लेता हूँ। इसमें से ये दो निकले हैं भाई, आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ मेरा ख्याल है इसमें जाकर फिट होने वाले हैं। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं भाई, कमाल की लाइट है भाई। यहाँ पर भाई साहब देख सकते हैं कुछ क्लिप है, आप देख सकते हैं ये डेस्क क्लिप है, जो कि यहाँ पर भी अगर मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसे जो है मैं इस तरीके से कहीं पर भी फ्लेक्सीबिलिटी इसमें मौजूद है, कहीं पर भी फिक्स कर सकता हूँ। बैक साइड पर मोड़ना चाहूँ तो यहाँ पर भी ये आ सकता है और कहीं पर भी ले जाओ भाई, ये आसानी से जाएगा और इस तरीके से ये फिट आ सकता है। और अब बात करते हैं भाई इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से, कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी है। 360 डिग्री पर भी ये चला जाता है, यानी कि जितना भी इसको फ्लेक्सिबल करते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, आप चेक कर सकते हैं। कमाल की यार प्रोडक्ट है और टच सेंसर भी इसमें मौजूद है। यहाँ पर सबसे पहले मैं चार्जर की वायर ओपन कर देता हूँ और इसके साथ कुछ और दिया गया वो भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर है भाई गत्ते में ये कुछ स्माइल है, बहुत ही जबरदस्त है, आप भी स्माइल हमेशा करती रहिए। और इसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू है और एक इसकी जो होती है प्लास्टिक की गिट्टी इसे कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो है एक क्लिप, ये जो है हमारी प्लास्टिक की जो है आई टाइप जो है ये यहाँ पर बनी हुई है, जो कि आई थिंक यहाँ पर लगने वाली है इस तरीके से। तो इसे भी मैं फिट कर देता हूँ आपके सामने और ये ऊपर क्लिप चढ़ा देता हूँ भाई। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसे हटा लूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जोर वाला है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, करीब से मैं आपको दिखाऊँ तो ये इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। अंदर अगर बात की करें तो अंदर कमाल की एलईडी हमें मौजूद है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये लग जाएगा। और इसके बाद अपना जो क्लिप है, लॉक क्लिप, ये इस तरीके से यहाँ पर आई थिंक यही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक लग गया भाई, पहली बार में ही ठीक लग गया। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लग गया और अब ये गिर नहीं रहा। तो इसके बाद अब हम इसे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कनेक्टिविटी होगी भाई हमारे चार्जर की। चार्जर सबसे पहले मैं इसे यहाँ से भाई ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर इसकी वायर खोल लेता हूँ ताकि हमारी सॉकेट तक हमारा चार्जर पहुँच सके। और ये देखिए कितनी लंबी वायर है भाई आपके सामने, बहुत लंबी वायर है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अभी तो खुली भी नहीं है लेकिन हमें फिलहाल इतनी ही चाहिए। हम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं भाई, यहाँ पर प्लग इन मैंने सॉकेट में कर दिया है और यहाँ पर भी अब मैं कर देता हूँ। और टच सेंसर है यहाँ पर, यहाँ पर आप चेक करें तो भाई कमाल का टच सेंसर है यहाँ पर, ये देखें ऑन हो गया भाई, हाथ लगाते ही ऑन हो गया। तो यहाँ पर आप अपनी लाइट को बढ़ा भी सकते हैं, दो बार टच करें बढ़ जाएगी, तीन बार टच करें और ज्यादा बढ़ जाएगी, दोबारा से टच करेंगे तो आपकी जो लाइट है वो बिल्कुल ऑफ हो जाएगी। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं भाई, बहुत ही जबरदस्त है यार,
जितनी भी इसकी तारीफ करें वो बहुत कम है। फ्रंट से ये फ्रंट में जो इसका सेंसर है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पावर का बटन जो है इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो यहाँ पर अभी मैंने टच का टच किया है और ये ऑफ हो गया है, तो मैं आपको लाइट भी करीब से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं आपके सामने अब लाइट भी है और टच भी है यहाँ पर। अब देखिए ऑन हो गया है। लाइट ज्यादा करना चाहूं ये देखिए लाइट ज्यादा होगी, तीन बार टच करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी। ऑफ करना चाहेंगे तो ऑफ वाले बटन पे आपने टच कर देना है। जी हाँ, टच कंट्रोल है, फुली टच कंट्रोल है। यहां पर मैं आपको करीब से दिखाना पसंद करूंगा। तो ये पीछे से मेरी उंगली टच हो गई है तो ऑन हो गया है। तो यहां पर फिर टच करें भाई, और ज्यादा तेज हो गई है, फिर और ज्यादा तेज है, और एंड में जो है मैं ऑफ इसे कर देता हूं। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं नीचे या एनीवेयर कहीं पर भी आप टच करते हैं तो ये ऑन, यानी कि लाइट तेज होती है, लेकिन जैसे ही आप इसके पावर बटन पर टच करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। रिपीट करते हैं भाई, यहां पर आप चेक कर सकते हैं ऑन हो चुका है लाइट। इसकी अगर बात करें लाइट कमाल की लाइट है, काफी ज्यादा तेज लाइट है। और मैं कुछ इस तरीके से इसे सेट कर देता हूं और इसके बाद कुछ आपको रीड करके दिखाता हूं कि भाई कितना जबरदस्त ये आई प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। और इसे कुछ इस तरीके से अपने टेबल डेस्क पर मैं इस तरीके से कर देता हूँ। काफी ज्यादा मजबूत है भाई, हिलने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ भाई, सबसे पहले तो मैं इसकी पकड़ आपको दिखाता हूँ भाई, इसकी पकड़ कितनी ज्यादा मजबूत है। और ये काफी ज्यादा यार भाई साहब भारा है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भारा है, काफी जोर लग रहा है और यार हिल नहीं रहा। आप जितना भी हिला लें इसे, ये नहीं हिलेगा, नहीं निकलेगा, कमाल की बात है यार। तो भाई साहब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कमाल की, यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है रोशनी। और भाई आई प्रोटेक्शन के हवाले से बात करें तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है हमें भाई, यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और बेहतरीन आई प्रोटेक्शन हमें ये मुहैया कर रहा है। और यार आई प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ी नेमत है। और मेरी नज़र में भाई अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रात के अंधेरे में भी पढ़ना चाहते हैं, तो ये लाइट आप लोगों के लिए बहुत उम्दा है। एग्ज़ाम स्तर पर है या फिर आप किसी और मकसद के लिए यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं या फिर कुछ और चीज़ रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये लाइट आप लोगों के लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। अक्सर देखा जाता है कि लाइट आंखों में चुभती है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो लाइट की तरफ मैं देख भी रहा हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे चुभ नहीं रही आंखों में, यानी कि ये कोई अलग सी लाइट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लाइट है। और बिल्कुल आई प्रोटेक्शन इसमें मौजूद है, यहाँ पर सब कुछ भाई क्लियर नज़र आ रहा है मुझे। और यहाँ बहुत पसंद आई होगी, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर प्रेस कीजिएगा, आपके सामने bankwood.com आ जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।